हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज आपके साथ टीएनए का फॉर्मेट शेयर कर रही हूँ और आपको बता रही हूँ कैसे टीएनए को बनाया जाता है और टीएनए को कैसे फिल करते हैं हम लोग सारे डिटेल में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ऊपर आपने टाइटल लिख देना है और सामने आपको कौन सा सीज़न का आपका ये टीएनए है सीज़न मेंशन करो, और साथ के साथ आप अपना सबसे टॉप पे अपना बायर का नाम लिखो, कहाँ का बायर है, ठीक है। उसके बाद आप अपना सप्लायर वगैरह, आप तो पता ही होता है, तो सप्लायर डिटेल आप मेंशन करो ना करो वो आपकी मर्ज़ी है। जैसे होता है कि ये उनके लिए होता है जैसे बाइंग ऑफिस वगैरह हैं, तो अपना सप्लायर नाम मेंशन कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करें स्टाइल की, तो जैसे आपको कोई भी पर्टिकुलर स्टाइल है उसकी फ़ोटो लगा दो, ठीक है। उसके बाद उसका स्टाइल नंबर मेंशन करो, उसका ऑर्डर नंबर मेंशन करो, डिस्क्रिप्शन ज़रूर मेंशन करना। डिस्क्रिप्शन से अक्सर हमारा बायर होता है स्टाइल नंबर से बहुत कम बात करते हैं, डिस्क्रिप्शन और ऑर्डर नंबर से ज़्यादा बात करते हैं, ठीक है। तो हर एक स्टाइल का उनका पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन होता है, इसलिए डिस्क्रिप्शन मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। फिर आप उसके साथ फैब्रिक मेंशन करो, कलर है तो कलर सॉलिड कलर है, प्रिंटेड है तो कलर की जगह स्ट्राइक ऑफ लिखो, ठीक है। क्वांटिटी आपकी ऑर्डर क्वांटिटी क्या है वो लिखो, आप लैब डिप स्ट्राइक ऑफ बिटलूम जो भी है वो आप यहाँ पे मेंशन करो, और यहाँ पे वो डालो कि आपने कब भेजा था और कब आपको अप्रूवल मिली है, साथ में डेट मेंशन जरूर करो। और यहाँ पे अगर कॉलम की बात करें आउटर सैंपल की, तो यहाँ पे जैसे आपने फिट सैंपल की अगर हम बात करें, तो आपने सेंट में लिखो कि कब आपने भेजा, यहाँ कमेंट्स में रिसीव्ड अप्रूव्ड ऑन आप करके लिखो कि आपको कब आपने भेजा और कब आपको अप्रूवल मिला, या उसका कमेंट कब मिला आपको, बायर ने अप्रूव्ड कर दिया है या फिर रिवाइज भेजना है, इस तरीके से आप मेंशन करो। साथ के साथ आपके जैसे फिट हो गए, पीपी भी हो गया, तो उसके साथ पीपी का भी मेंशन करो। आउटर सैंपल में कई सारे सेक्शन आप कॉलम बना दो वहाँ पे, वो हर एक चीज़ आपको अगर रिवाइज फिट बायर मांग रहा है तो अगले कॉलम में आप रिवाइज फिट का भी कि आपको कब सैंपल आपने रिवाइज फिट का भेजा, पीपी आपने कब भेजा, आपको पीपी की अप्रूवल कब मिली, इस तरीके से आप इसको और भी बेहतर तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो जब आप काम करोगे तो आपको समझ में आ जाता है कि कैसे इसको बनाना है, तो इस तरीके से बनाओ। और साथ के साथ हर एक चीज़ आपको उसमें, जैसे आपकी गो अहेड कब मिली है, ठीक है, आपको प्रोडक्शन के लिए बायर ओके कब किया है, वो भी आप उसमें मेंशन करो कि आपको ग्रेडिंग कब मिली है, मतलब हर एक प्रॉपर कॉलम उसका बनाते जाओ। आपके पास 10 20 50 स्टाइल होते हैं, तो एक जब आप टीएनए उठाते हो ना, तो उसमें हर एक डिटेल मेंशन होती है, बड़ा इजी हो जाता है काम को करना, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका चाहे जैसा भी स्टाइल हो, आपके जो प्रोडक्शन के हैं जिस सीज़न, और ख़ास करके ना ये जो टीएनए होता है, जो असिस्टेंट मर्चेंट होती हैं, उनको भी बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए और वो लोग इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि कभी कभी उनके साथ ये भी प्रॉब्लम होती है, जो उनके सीनियर मर्चेंट होते हैं ना, उनके ऊपर अच्छे से ध्यान नहीं देते, डिटेल में नहीं बताते हैं। तो आप अपना टीएनए ज़रूर फटाफट से बनाओ, जैसा मैं फॉर्मेट दे रही हूँ ऐसे आप लोग बना सकते हो। साथ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगले पेज में मैंने किस तरीके से मेंशन किया हुआ है कि यहाँ पे आपको कब कमेंट मिला, हर एक आउट एंड सैंपल। आपको अगर एसएमएस बायर मांगता है, एसएमएस पीपी मांगता है, तो पीपी उसमें क्या एसेसरीज लग रहे हैं, ठीक है, हर एक चीज़ मेंशन करो। लेबल्स, टैग, इसके पॉलीबैग वगैरह आपको इन हाउस हैं अभी या इन हाउस होने हैं, कब होने हैं, आपने कब ऑर्डर किया था, जैसे आकर ये सोचो आपने, मतलब हर एक चीज़ इतनी डिटेल में मेंशन करो ना कि आपको आपको फटाफट से हर एक चीज़ बता दें, ठीक है। इसी तरीके से आपका डिलीवरी कब है, आपने इसको प्रोडक्शन में कब लगाना है, कब आपने प्लान किया है,